भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज पर सभी की नजरें, क्योंकि ये दोनों टीमें मौजूदा समय की सबसे बेहतरीन टीमों में गिनी जाती है। इंग्लैंड की टीम अपनी बेस्ट बॉल क्रिकेट के लिए मशहूर है और देखना होगा कि उसकी ये बेस्ट बॉल क्रिकेट भारत में सफल होती है या नहीं। जब से बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान और ब्रेंडन मैकुलम टीम के हेड कोच बने हैं, तब से इस टीम ने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। ये दोनों जानते हैं कि क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम भारत को भारत में हराना है, और इस मुश्किल काम को करने के लिए इंग्लैंड ने पूरी तैयारी कर ली है। इंग्लैंड की कोशिश भारत को उसी के हथियार से मारने की है। भारतीय पिचेस स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है। यहाँ स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है। विदेशी टीमों के बल्लेबाज यहाँ स्पिन के जाल में ही फंसते हैं। इंग्लैंड भारत को उसके ही स्पिन वाले हथियार से मारने की फिराक में है, और इसके लिए वो अपने साथ भरपूर असला लेकर आ रहा है। इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर 4 स्पिनर्स लेकर आ रही है। इसमें से 3 स्पिनर तो ऐसे हैं जिन्होंने भारत में कभी नहीं खेला, 2 ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। ये 4 स्पिनर्स हैं जैक लीच, रहमान अहमद, टॉम हॉटले और शोएब बशीर। हॉटले और बशीर ने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, जबकि रेहान अहमद वो स्पिनर है जो शेन वॉन को बहुत ही कम उम्र में प्रभावित कर चुके हैं। रेहान ने अभी तक इंग्लैंड के लिए 1 मैच खेला है, और इसमें ही उन्होंने बता दिया था कि वो क्या कमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस मैच में 7 विकेट अपने नाम किए थे। जैक लीच टीम के पास अनुभवी स्पिनर है। लीच को तो भारत ने खेला है, लेकिन अहमद के सामने अभी तक टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज नहीं आया। कहा जाता है कि अनजान खतरा बहुत परेशान करने वाला होता है। इंग्लैंड के 4 स्पिनर्स में से 3 के बारे में टीम इंडिया बिल्कुल भी नहीं जानती है कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ इसी चीज को भुनाने की कोशिश करेगी। पहला मैच हैदराबाद में खेला जाना है, और इस मैच में अगर इंग्लैंड 3 स्पिनर्स के साथ उतरे तो हैरानी नहीं होगी। जैक लीच और अहमद का खेलना तय है। अगर इंग्लैंड 3 स्पिनर्स के साथ जाने पर विचार करती है तो फिर देखना होगा बशीर और टॉम में से किसे मौका मिलता है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है जिस पर इंग्लैंड ने भी ध्यान दिया होगा। हाल के समय में टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ उतने सहज नहीं दिखे हैं जितने पहले हुआ करते थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा लेग स्पिनर्स के सामने कई बार आउट हुए हैं। इस पर इंग्लैंड ने बिल्कुल ध्यान दिया होगा, और अपने स्पिनर्स से वो यही चाहेगा कि भारतीय पिचों पर फिरकी का ऐसा कमाल दिखाए कि भारतीय टीम भी हैरान रह जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके बताइएगा क्या इंग्लैंड टीम की ये रणनीति भारत को भारत में हराने के लिए काम आएगी या नहीं।